डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द लेसन फॉर क्लास टेंथ। सब्जेक्ट SST एंड हिस्ट्री। हिस्ट्री का ये सब्जेक्ट है और इसमें फर्स्ट लेसन आप आज पढ़ेंगे। फर्स्ट लेसन का फर्स्ट पार्ट लेसन मैं आपको किस प्रकार नेशनलिज्म यूरोप में डेवलप हुआ, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का मतलब है यूरोप में किस प्रकार राष्ट्रवाद नेशनलिज्म का जन्म हुआ, इसको स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, दिस इज़ द पिक्चर मेड बाई फ्रेडरिक शोरू के द्वारा। ये पिक्चर यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसमें ये कह रहा है कि द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, यानी जो वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक विश्वव्यापी प्रजातंत्र और सोशल रिपब्लिक का मतलब है सामाजिक गणराज्यों का ड्रीम है, स्वप्न है। द पैक्ट बिटवीन नेशंस मतलब राष्ट्रों के बीच पैक्ट संधि, अप्रिंट प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक शोरू के द्वारा ये जो पिक्चर जो है इसको प्रिंट किया गया है 1848 में। लेट अस स्टार्ट द लेसन्स। लेसन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इन 1848 फ्रेडरिक शोरू अ फ्रेंच आर्टिस्ट प्रिपेयर्ड सीरीज ऑफ फोर प्रिंटेड विजुअलाइजेशन ड्रीम एंड ऑफ अ वर्ल्ड मेड अप डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक एज ही कॉल्ड देम। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार हुआ, आर्टिस्ट हुआ, फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक शोरू। उसने क्या किया, चार जो चित्र हैं डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक करके एक श्रृंखला बनाई इस चित्र में, जिसका मतलब है प्रजातंत्र और सामाजिक गणतंत्र से मिलकर जो बना हुआ था, उसका जो ड्रीम था, सपना था, उसने उस चित्र में ऐसा संसार रचा जिस जो जनतंत्र यानी डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक यानी सामाजिक गणतंत्र से मिलकर बना हुआ था। द फर्स्ट प्रिंट फिगर नंबर वन ऑफ द सीरीज शो द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस मार्चिंग अ लॉन्ग ट्रेन। अब इस श्रृंखला में जो पहला पिक्चर आपने देखा अभी ऊपर, ये इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कैसे यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाई दे रहे हैं, सभी एजेस के, सभी उम्र के और सभी जो सोशल वर्ग क्लासेस के लोग हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, एक लंबी लाइन में जो है ये लोग चल रहे हैं और इनके हाथों में फ्लैग्स हैं, लॉन्ग ट्रेन की तरह ये चल रहे हैं। एंड ऑफरिंग होमेज टू सैल्यूट ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाय इट, और लंबी कतार में एक लिबर्टी की जो प्रतिमा है, स्टैचू है, स्वतंत्रता की प्रतिमा को वंदन करते हुए, उससे होमेज मीन्स वंदना करते हुए उसको आगे पास कर रहे हैं। एज यू वुड रिकॉल आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज फीमेल फिगर। अब आपको याद होगा पिछली क्लास में, क्लास नाइन्थ में, किस प्रकार फ्रांस जो रेवोल्यूशन आपने फर्स्ट लेसन पढ़ा था, उसमें कलाकार जो है स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान करते हैं, उसमें भी फीमेल फिगर के रूप में उसको पर्सोनिफाई करते हैं। हियर यू कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट सीबियस इन वन हैंड एंड द चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन इन अदर। अब इस पिक्चर में आप यहाँ पर एनलाइटनमेंट यानी ज्ञान की जो मशाल है उसको पहचान सकते हैं, उसके एक हाथ में वन हैंड में है, दूसरे जो हाथ में उसके पास जो ह्यूमन राइट्स चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन मीन्स मनुष्यों का अधिकार का जो चार्टर घोषणा पत्र है वो लिए हुए है। ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ इमेज लाइज सी सैटर्न रिमेन्स ऑफ द सिंबल ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब है जो प्रतिमा के सामने जो जमीन है वहाँ पर एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब है निरंकुश मीन्स जिसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहता, जो निरंकुश संस्थान है उनके जो सिंबल सैटर्न में से बिखरे हुए हैं, ध्वस्त करके ग्राउंड पे बिखरे पड़े हैं जो निरंकुश संस्थान हैं उनके अवशेष।
इन श्यूरोज यूटोपियन विजन द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस आइडेंटिफाई थ्रू द फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम। अब जो शोरो का यूटोपिया का मतलब है कल्पना वाला जो संसार है, एक आदर्श दुनिया, उसको यूटोपिया कहा जाता है। उसमें जो है दुनिया के अलग अलग नेशंस, डिस्टिंक्ट नेशंस, अलग अलग नेशंस के लोग समूह ग्रुप में बटे हुए हैं, जिनकी पहचान उनके जो कपड़े हैं या जो नेशनल ड्रेस है उनसे, कॉस्ट्यूम है उससे की जा रही है, राष्ट्रीय पोशाक से हो रही है। नेक्स्ट, लीडिंग द प्रोसेशन वेज वे पास्ट द स्टैचू ऑफ लिबर्टी द यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्जरलैंड विच बाई दिस टाइम व ऑलरेडी नेशंस स्टेट। अब इस जुलूस प्रोसेशन का जो नेतृत्व लीडिंग कर रहे थे, उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है और स्विट्जरलैंड जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे, स्विट्जरलैंड ऑलरेडी नेशन स्टेट राज्य राष्ट्र वो बन चुके थे। फ्रांस आइडेंटिफिएबल बाय द रिवोल्यूशनरी ट्रिकलर हैज जस्ट रीच्ड द स्टैचू ऑफ, जो फ्रांस था उसने जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है, जो प्रतिमा के स्टैचू के पास अभी अभी पहुंचा है। सी इज फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी बियरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग। अब देखो उसके पीछे कौन है, जर्मनी के लोग हैं जो ब्लैक रेड और गोल्ड कलर का फ्लैग झंडा जो है थामे हुए हैं। इंटरेस्टिंगली एट द टाइम व्हेन शुरो क्रिएटेड दिस इमेज द जर्मन पीपल डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज अ यूनाइटेड नेशंस। द फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स इन 1848 टू यूनिफाई द न्यूमेरियस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपलिटीज इन टू अ नेशन स्टेट अंडर अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है, इंटरेस्टिंगली मीन्स दिलचस्प बात यह है कि जिस समय शोरो ने इस प्रकार की जो पिक्चर फिगर यहाँ पर बनाई, इमेज जो बनाई, उसमें जो है जर्मन के लोग संयुक्त राष्ट्र के यूनाइटेड नेशन का हिस्सा नहीं था उस समय, और जो झंडा हुए थामे हुए हैं वो 1848 की जो लिबरल होप्स थी, उदारवादी उम्मीदें थी, उसकी अभिव्यक्ति करती है। अनेक जर्मन बोलने वाले जो जर्मन स्पीकिंग पार्टिसिपलिटी थी, रियासतें थी, उनको जो है प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राज्य राष्ट्र गठित करने की इच्छा थी। नेशन स्टेट अंडर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रजातांत्रिक संविधान हो और एक राज्य राष्ट्र गठित हो, ऐसी आशा उनको थी। फॉलोइंग द जर्मन पीपल आर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ टू सिलीस, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। जर्मन के बाद उसके पीछे पीछे जो सिलिसीज करके कंट्री है, वहाँ की जो राजशाही है, या लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रशिया के लोग थे। फ्रॉम द हेवंस अबोव क्राइस्ट सेंट द एंड एंजल्स गेज अपॉन द सीन। ऊपर से हेवन से, स्वर्ग से ईसा मसीह के संत और फरिश्ते जो है इस सीन पर अपनी नज़रें जो हैं जमाए हुए थे। गेज अपॉन मीन्स नज़रें जमाना, एंजल्स मीन्स जो फरिश्ते हैं ऊपर स्वर्ग से। दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिंबलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। चित्रकार ने इसमें जो है इसका इस्तेमाल दुनिया के जो राष्ट्र हैं उनके बीच फ्रेटर्निटी में से भाईचारा हो, ऐसा प्रतीक उसने दिया है चित्रकार ने। और यहाँ पर नेशंस की डेफिनेशन भी दी है, थोड़ी देर बाद इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पैरा देखिए, दिस चैप्टर विल डील विथ मनी ऑफ द इश्यूज विजुअलाइज्ड बाय शोरो इन फिगर नंबर वन। ड्यूरिंग द 19th century नेशनलिज्म इमर्ज एज फोर्स विच ब्रॉट अबाउट स्वीपिंग चेंजेज इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप। अब इस लेसन में कई प्रकार के विषय जो है डिस्कस होंगे, इश्यूज जो है उठाए जाएंगे, जिसमें से 19वीं सदी के दौरान, 19th century के दौरान राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म ऐसी ताकत बन के उभरा था जिससे जो है यूरोप में
राजनीतिक, पॉलिटिकल या मेंटल वर्ल्ड जगत में जो है अनेक चेंजेस जो है ला दिए थे, स्वीपिंग चेंजेस में से बहुत सारे परिवर्तन लाए, राष्ट्रवाद लाया। द इंड रिजल्ट ऑफ दी चेंजेज वॉज इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट इन प्लेस ऑफ मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर ऑफ यूरोप। अब इन चेंजेस से जो मल्टी नेशनल बहुराष्ट्रीय वंशवाद साम्राज्य की परंपरा चली आ रही थी, उसके स्थान पर नेशन स्टेट मीन्स राष्ट्र राज्य का अपना राष्ट्र राज्य हो, ऐसा कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट यूरोप में होता है। द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अ मॉडर्न स्टेट इन विच अ सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज सोवरेन कंट्रोल ओवर अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी। यूरोप में जो है लंबे समय से ऐसे मॉडर्न स्टेट की गतिविधियों पर विचार जो है विकसित हो रहे थे, जिससे क्लियरली एक सोवरेनिटी, प्रभुसत्ता, एक केंद्रीय शक्ति हो एक ऐसे क्षेत्र में, ऐसा राज्य उनको जो है डेवलप हो रहे थे। हैज़ बीन डेवलपिंग ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम। यूरोप में बहुत लंबे समय से एक डिफाइंड टेरिटरी जहाँ पे जो है सोवरेन कंट्रोल हो, संप्रभुत्व वाला राज्य हो, अपना देश का प्रभुत्व हो, ऐसा राष्ट्र की आशा यूरोप वाले लगाए हुए थे। बट अ नेशन स्टेट वॉज वन इन विच द मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजन एंड नॉट ओनली इट्स रूलर्स केम टू डेवलप अ सीन ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री ऑफ डिसेंट। अब राष्ट्र राज्य में न केवल उसके जो राजा थे, शासक थे, बल्कि उसके जो अधिकांश सिटीजन थे, नागरिक थे, उनकी जो है पहचान हो और एक इतिहास, हिस्ट्री, आइडेंटिटी के साथ एक हिस्ट्री भी शेयर करें वो लोग, और डिसेंट और या विरासत की भावना हो, ये डेवलपमेंट वहाँ पर हो रहा था। दीज कॉमनेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल, इट वॉज फोर्स्ड थ्रू स्ट्रगल थ्रू द एक्शंस ऑफ लीडर्स एंड द कॉमन पीपल। अब जो कॉमनेस का मतलब है जो शेयरिंग करना, साझेपन की ये भावना थी, ये बहुत पहले से नहीं थी, इमेमोरियल से प्राचीन काल से, अनंत काल से नहीं थी। ये स्ट्रगल और नेताओं का जो संघर्ष और नेताओं का और लोगों की जो डिस्कस थी और जो आम लोग थे उससे डेवलप हुई थी, कॉमन पीपल से। दिस चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेस थ्रू विच नेशन स्टेट एंड नेशनलिज्म केम इन टू बींग 19th century यूरोप। इस लेशन में उन प्रक्रियाओं के, डाइवर्स प्रोसेस, अनेक जो प्रक्रियाएं हैं उन पर डिस्कस करेंगे या उन पर प्रकाश डाला जाएगा, जिसके तहत जो है 19th century में नेशन स्टेट, राष्ट्र राज्य या नेशनलिज्म में अस्तित्व में आया। न्यूवर्ड्स यहाँ पर देखिए, प्लेबिसाइट, इसका मतलब होता है डायरेक्ट वोट बाई विच ऑल द पीपल ऑफ द रीजन एंड आस्क एक्सेप्ट रिजेक्ट, मतलब ऐसा डायरेक्ट मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के लोग जो है एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। और यहाँ पर एर्नेस्ट रेनन ने व्हाट इज नेशन करके एक परिभाषा दी है, जो कि फ्रांसीसी दार्शनिक थे, उनने जो है राष्ट्र क्या है इसके संबंध में अपने व्याख्यान में बताया कि राष्ट्र क्या होता है। यहाँ पर देखिए आप, नेशंस की एक छोटी सी परिभाषा आपको बताते हैं। और नेशन इज कॉल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग पोस्ट इंडिविजुअल सेक्रीफाइस एंड डिवोशन, मतलब राष्ट्र जो है एक लंबे प्रयासों का, इंडिविजुअल लंबे जो प्रयास होते हैं, सेक्रीफाइस त्याग होता है और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। और हीरोइक पास्ट, ग्रेट मैन ग्लोरी, दैट द सोशल कैपिटल अपॉन विच वन बेसिस द नेशनल आइडिया, ये जो है वीरता, शौर्य और वीरता से युक्त जो गौरवपूर्ण इतिहास, अतीत होता है, महान, ग्रेट मैन जिसमें पुरुषों का नाम और गौरव की वो सामाजिक पूंजी है जिस पर राष्ट्रीय विचार जो है आधारित होता है। तो दिस इज द
शॉर्ट डेफिनेशन ऑफ राष्ट्र मीन्स नेशंस की एक ये डेफिनेशन है। और रैनन के अनुसार जो है राष्ट्र की डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट पैरा हम फिर से स्टार्ट करेंगे इसी लेशन में। यहाँ पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो आपने क्लास 9th में पढ़ा था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन फर्स्ट लेशन था। वहाँ से जो राष्ट्रवादी विचार हैं कैसे आए, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशंस, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, आइडिया ऑफ नेशंस, इसको डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म कम विथ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। राष्ट्रवाद की जो स्पष्ट एक्सप्रेशन, क्लियर एक्सप्रेशन जो है 1789 में फ्रांसीसी जो क्रांति हुई इसके साथ हुआ। फ्रांस एज यू वुड रिमेम्बर वॉज अ फुल फ्लेज्ड टेरिटोरियल स्टेट इन 1789 अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्क। जैसा कि आपको याद होगा, पिछले साल 9th में डिस्कस किया था, 1789 में जो है फ्रांस एक ऐसा स्टेट राज्य था जिसके संपूर्ण टेरिटरीज भूभाग पे एक एब्सोल्यूट मीन्स निरंकुश राजा का शासन चलता था। द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन द वेक ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सबॉर्डिनेटी फ्रॉम मोनार्क टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। अब फ्रांसीसी क्रांति के जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव थे, जो चेंजेस थे वहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण जो आए थे, उससे जो है जो सबॉर्डिनेटी मीन्स प्रभुत्व सत्ता थी और मोनार्की से निकलकर फ्रांसीसी जो सिटीजन थे नागरिक के समूह में जो है हस्तांतरित हो गई थी। द रिवॉल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वॉज द पीपुल हु वुड हैंस फोर्थ कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड सेव इट्स डेनेस्टी। अब क्रांति जो रिवोल्यूशनरीज थे प्रोक्लेम्ड में से ये घोषणा की कि अब लोगों द्वारा जो राष्ट्र का गठन होगा वही उसकी नियम कानून नियति कॉन्स्टिट्यूशन तय करेंगे, उसको शेप देंगे, उसकी डेस्टिनी को, उसके भाग्य को हम ही लोग बनाएंगे, ये फ्रांस के लोगों ने कहा। नेक्स्ट पैरा, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस्ड वारियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। प्रारंभ से ही, वेरी बिगिनिंग मीन्स प्रारंभ से ही फ्रांसीसी जो क्रांतिकारी रिवोल्यूशनरीज थे उनने अनेक ऐसे कदम उठाए जिससे फ्रांस के लोगों में जो है सामूहिक पहचान, कलेक्टिव आइडेंटिटी, ऐसी सामूहिक पहचान की जो सेंस है, ऐसा सेंस क्रिएट किया गया, यानी ऐसी भावना पैदा हुई कि हमारी कोई सामूहिक पहचान हो। द आइडियाज ऑफ ला पार्टी द फादरलैंड एंड ली सिटोएन द सिटीजन एम्फसाइज द लेसन नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग इक्वल राइट अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब ला पार्टी का मतलब है पितृभूमि और ले सिटुएन का मतलब है नागरिक। ऐसे विचारों ने जो है संयुक्त जो समाज था उनका, उनके विचारों पर ऐसा बल दिया कि उनको संविधान के अंतर्गत, कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत इक्वल राइट कम्युनिटी को प्राप्त हुए। न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्रिकलर वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। और इसके बाद क्या किया, एक नया फ्रांसीसी जो ट्री कलर का तिरंगा है, फ्रांसीसी झंडा तिरंगा, उसको चुना गया, जिससे पहले रॉयल स्टैंडर्ड वाला जो झंडा था उसको रिप्लेस कर दिया गया। द ईस्टर्न स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड रिनेम्ड द नेशनल असेंबली। स्टेट जनरल का चुनाव जो है, जो एक्टिव सिटीजन सक्रिय नागरिक के समूह के द्वारा किया जाने लगा, और उसका नाम बदल कर क्या रख दिया, नेशनल असेंबली उसका नाम कर दिया गया। न्यू हेम्स कंपोस्ट ओथ टेकन एंड मार्टिर कमोमोरेटेड ऑल इन द नेम ऑफ द नेशंस। और नए जो हिम्स मीन्स जो प्रार्थनाएं थी वो रची गई, स्तुतियां रची गई, ओथ से शपथ ली गई और
शहीदों का जो गुणगान था, मार्टिस कॉमोमरेट मीन्स शहीदों का गुणगान वहाँ पर किया गया। ये सब एक राष्ट्र के नाम से, एक नेशंस के नाम से हुआ। और सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज पुट इन प्लेस एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल सिटीजन विद इन इट्स टेरिटरी। और एक सेंट्रलाइज्ड केंद्रीय जो प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिसने अपने टेरिटरी भूभाग में रहने वाले नागरिकों के लिए, सभी लोगों के लिए यूनिफॉर्म लॉ में से एक समान कानून बनाए। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वो अबोलिस्ट एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर और वॉज एडोप्टेड। और आंतरिक जो व्यापार उनका चलता था, कस्टम ड्यूटीज, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज का मतलब है आयात निर्यात जो शुल्क थे वो समाप्त किए गए। और नापने की और भार की वेट की एक समान यूनिफॉर्म व्यवस्था लागू की गई। रीजनल डायलैक्ट्स वर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच एज इट वॉज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ नेशंस। अब जो वो क्षेत्रीय रीजनल डायलैक्ट्स, क्षेत्रीय बोलियाँ थी, उनको हतोत्साहित, डिस्करेज, हतोत्साहित किया गया। और जो पेरिस में फ्रेंच चलती थी, उसी बोली को, उसी फ्रेंच को, और जो है बढ़ाया गया आगे, और वही भाषा सबकी कॉमन भाषा वो बन गई। द रिवोल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर्ड दैट इट वॉज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपुल्स ऑफ यूरोप फ्रॉम डिस्पोटिज्म। अब क्रांतिकारियों ने ये घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र जो है, फ्रांस हमारा, उसका यह डेस्टिनी मीन्स भाग्य है, और लक्ष्य यह है कि यूरोप के जो और लोग हैं जो बहुत परेशान लोग हैं, उनको जो डिस्पोटिज्म मीन्स जो निरंकुश शासक हैं, उनको मुक्त कराएंगे यूरोप के लोगों को। इन अदर वर्ड्स, टू हेल्प द अदर पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम नेशंस। दूसरे लोग उस वर्ड्स में यूरोप, फ्रांस जो है यूरोप के अन्य लोगों को, राष्ट्रों को गठित होने में मदद करेगा, नेशंस के रूप में गठित होने में मदद करेगा। व्हेन द न्यूज़ ऑफ द इवेंट इन फ्रांस रीच्ड द डिफरेंट सिटीज ऑफ यूरोप, स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर्स एजुकेटेड मिडिल क्लासेस बिगेन सेटिंग अप जैकोबियन क्लब्स। अब देखो, दूसरे जब फ्रांस की जो इवेंट था, ये खबर यूरोप के अदर जो है शहरों में, सिटीज में पहुंची, तो यहाँ पे जो शिक्षित वर्ग था, छात्र थे, उन लोगों ने जैकोबियन क्लब जो है स्थापना वो लोग करने लगे। देयर एक्टिविटीज एंड कंपेनिंग्स प्रिपेयर्ड द वे फॉर फ्रेंच आर्मीज विच मूव्ड इन टू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ इटली इन 1790s। अब 1790s के जो टाइम था, इस टाइम पे हॉलैंड और बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली के बड़े इलाकों में फ्रांस की सेनाएं घुसी, फ्रेंच आर्मीज घुसी, और वहाँ पे उन लोगों ने अभियान की, कंपेनिंग की। विथ द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशनरी वॉर, द फ्रेंच आर्मीज बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। अब क्रांतिकारी वॉर्स, युद्ध के शुरू होने के साथ साथ फ्रांसीसी जो सेनाएं थी, राष्ट्रवाद के विचारों को वो विदेशों में ले जाने लगी। उसके बाद यहाँ पर एक पिक्चर आप देखेंगे, रशियन एम्पायर, और यहाँ पे नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, पोलैंड, मीन्स पूरा यूरोप यहाँ पे दिया है। जब वियना ऑफ कांग्रेस हुआ था 1815 में, 1815 आपको तब भी याद होगा जब नेपोलियन की हार हो गई थी, उसके बाद का यूरोप आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा, विथ इन द वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटरी दैट केम अंडर हिज कंट्रोल। अब जो फ्रांस में विशाल क्षेत्र उसके नियंत्रण में जो है आया था, बहुत बड़ा टेरिटरी, कम अंडर हिज कंट्रोल, उसके विशाल क्षेत्र नियंत्रण में जब नेपोलियन था तभी आ गया था।
नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मैनी ऑफ रिफॉर्म्स दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस। जो फ्रांस राजतंत्र के अंतर्गत जो क्षेत्र आया था फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने वहाँ की जो जनता थी उनको जो है रिफॉर्म वहाँ पे करना शुरू कर दिया। थ्रू और रिटर्न टू मोनार्की नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैज इनकॉर्पोरेट रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रैशनल एंड एफिशिएंट। अब पूरा विशाल क्षेत्र आकर